ठीक है ठीक है जी जी शुरू करें। मेरा नाम दिनेश सिंह चौहान है, मैं मध्य प्रदेश बेरोजगार युवा संघ का अध्यक्ष हूँ और आज हम गृह मंत्री जी को ज्ञापन देने आए थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए, क्योंकि पूरे प्रदेश को अवगत है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर 2019 में हुआ था लेकिन उसका आज तक प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया। 2021 एक महीने बाद 2021 लग जाएगा, ना तो उसका मुख्य परीक्षा आया 2020 की, ना तो प्रारंभिक परीक्षा आई। तो हम कुछ दो चार बिंदुओं पर मिलने गए थे, पहला कि 2019 का मुख्य परीक्षा का एक तो कैलेंडर जारी किया जाए, प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाए ताकि जो 3 लाख से ज़्यादा युवा तैयारी कर रहा है वो एक थोड़ा सा ये जो अवसाद चल रहा है मानसिक अवसाद उसके साथ वो चीज़ें क्लियर हों। दूसरी चीज़, कोर्ट में जो 9 दिसंबर को अभी हियरिंग होने वाली है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का आरक्षण से संबंधित, उसमें अपना पक्ष अच्छे से रखिए क्योंकि हमें पता है कि कई बार सरकार के तरफ से वकील नहीं गया है ना ही कुछ बोला है, तो कोर्ट क्या की उसको आगे बढ़ाती गई है जो कि ये गलत है। चुनाव टाइम पे हुए, टाइम पे CM बने, टाइम पे गृह मंत्री बने, टाइम पे सब बन रहे हैं, लेकिन टाइम पे बस क्या नहीं हो रहा वो है सिर्फ एग्जाम, बाकी सब कुछ हो रहा है। टाइम पे एग्जाम करवाइए, मध्य प्रदेश में आज इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। हम बेरोजगार युवा लगातार पेपर दे रहे हैं, पेपर देने के बाद माता पिता उम्मीद करते हैं मुख्य परीक्षा होगी, फिर इंटरव्यू होगा, फिर बच्चा जाके अफसर बनेगा। अफसर आप गृह मंत्री से मिले, क्या आश्वासन मिला आप ये बताइए। आश्वासन ये मिला कि सामान्य प्रशासन विभाग को मैं लिखूंगा और सामान्य प्रशासन विभाग इस बारे में जल्दी ही आपको आपके साथ अन्याय करेगा। हम बोले सामान्य प्रशासन विभाग और आपके विभाग, उन्होंने मेरे विभाग से कोई समस्या तो बताइए। मैंने कहा कि आपके विभाग में पुलिस भर्ती का नोटिस आया था, अभी तक साहब नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन 24 तारीख को आना था, आज हो गई 1 तारीख, ये पूरे पत्रकारों को पूरे प्रदेश को पता है ये बात। तो ये इसी संदर्भ मैंने दिया कि मध्य प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन जारी किया जाए।